वेलकम। आज मैं आपको बताऊं, एक जो ज्योतिराव सावित्री फुले थी, सावित्री बाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को दलित परिवार में हुआ था। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी 13 साल के सेवती बा फुले के साथ हो गया था। आगे हम देखेंगे कि सावित्री फुले बाल विवाह का विरोध तो नहीं कर पाई, लेकिन अपने क्रांतिकारी पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर के लड़कियों के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले, जिसमें पहला और 18वां स्कूल पुणे में खुला था। तो आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से कदम उठाए। सावित्री बाई फुले देश की पहली महिला अध्यापक नारी मुक्ति आंदोलन की नेता थी। सामाजिक और बुरी रीतियों के खिलाफ उन्होंने अपनी आय उठाई थी। छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी बातें। उन्होंने मजदूर के लिए रात्रि में स्कूल खोले ताकि दिन में वो काम कर सके, रात में पढ़ाई कर सके। तो किस जबरदस्त काम उन्होंने किया था। गांव छुआछूत से परेशान लोगों को पानी पीने के लिए नहीं दे रहा था। ऐसे में सावित्री बाई फुले ने अपने घर के कुआं को खोल दिया था। सावित्री बाई फुले बहुत बड़ा समाज साहसी कदम उठाया। जी हाँ, एक विधवा के आत्मदाह करने से रोका, उसकी डिलीवरी अपने घर करवाई। बाद में सावित्री बाई ने पुत्र की पाल करके बड़ा किया और डॉक्टर बना। 1897 में पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैली, लेकिन लोगों की सेवा करती रही। ऐसे में सावित्री बाई फुले भी चपेट में आई और 10 मार्च को उनका निधन हो गया। सावित्री बाई फुले एक पूरा जीवन समाज सेवा में निकाला। गलत के क्या उन्होंने उठाई, समाज की गुर्तियों के खिलाफ उठाई, महिलाओं के हक के लिए लड़ी, महामारी आने पर लोगों की सेवा करने में अपनी अंतिम सांस गंवा दी। छात्रों के लिए सरकार की योजना इसी के तहत है, अब मिलेंगे 40,000 की सहायता सिर्फ 8वीं, 9वीं और 10वीं की छात्राओं के लिए। सावित्री फुले योजना के अनुसार आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको किस तरह से राशि प्राप्त होगा। जो 18 से 19 वर्ष की वायु की जो किशोरियाँ होंगी, एक मुफ्त में उनको इस तरह से राशि प्राप्त होगी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से उनको राशि प्राप्त होगी। ये योजना झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। आप अपने अपने स्कूल में जा करके अगर शिक्षक से मिलें और जानकारी प्राप्त करें।